शर्मा के चोट के कारण जा रहे किन खिलाड़ियों की हुई टीम में एंट्री। हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिकेट राइजिंग स्टार पर। फ्रेंड्स, भारत के कैप्टन रोहित शर्मा ने मुंबई में अपने उंगली में लगे चोट की जांच कराई। जांच में मिले रिपोर्ट्स के मुताबिक रोहित शर्मा पहले टेस्ट के लिए अवेलेबल नहीं रहेंगे, वहीं दूसरे टेस्ट में खेल पाएंगे या नहीं इसका अंतिम फैसला बीसीसीआई के मेडिकल टीम के द्वारा दोबारा जांच के बाद की जाएगी। ऐसे में बीसीसीआई ने टीम स्क्वाड में उनके रिप्लेसमेंट के लिए अभिमन्यु ईश्वरन को चुना है। तो बात करें तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी की और ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा की, तो अभी तक अपने कंधे की चोट से पूरी तरह फिट नहीं हो पाए हैं और भारत बांग्लादेश टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं। उनके स्थान पर नवदीप सैनी और सौरव कुमार को स्क्वाड में शामिल किया गया है। इसके साथ ही चयनकर्ताओं ने जयदेव उनावटुकट को भी टीम में शामिल किया है। चलिए फ्रेंड्स, फाइनली भारत और बांग्लादेश सीरीज के लिए भारत की अपडेटेड टीम क्या है ये जान लेते हैं। एल राहुल जो कि रोहित शर्मा की अनुपस्थिति में टीम के कैप्टन होंगे, शुभमन गिल, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, केएस भरत, रविचंद्रन अश्विन, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, शार्दुल ठाकुर, मोहम्मद सिराज, उमेश यादव, अभिमन्यु ईश्वर, नवदीप सैनी, सौरव कुमार और जयदेव उनादकर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। क्रिकेट से जुड़ी तमाम जानकारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिकेट राइजिंग स्टार को और अपने दोस्त को सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, टाटा, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा।